चलते हैं हम लोग मेन प्रोफाइल की तरफ। तो गाइस मेन प्रोफाइल आप यहाँ पर देख पा रहे गाइस, काफी नीट एंड क्लीन में आपको गाड़ी होने वाली है। अगली गाड़ी हम लोग बढ़ते हैं भैया, अगला गाड़ी हम लोग का इनोवा होने वाला है। देख पाए गाइस काफी नीट एंड क्लीन में गाड़ी है, आप देख सकते हैं। इंटीरियर देख के आपको लग नहीं रहा कि यह आपको 14 की मॉडल मिलने वाली, काफी नीट एंड क्लीन में ये भी गाड़ी है। गाड़ी की परफॉर्मेंस गाइस काफी हाई हेवी होने वाली है गाइस, आप लोग के सामने मोड आप लोग के लगा हुआ है। इधर कैसे सकते हैं आपको एक प्लस आपको मिलने वाला गाइस, काफी नीट एंड क्लीन में ये गाड़ी आपको होने वाली गाइस। गाइस आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी सारा आपको पेट्रोल गाड़ी आप लोगों को दिखाया है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जितना भी गाड़ी कवर करने वाले हैं सारा डीजल में मिलने वाले ये सर 2014 लास्ट की आर्टिका है, आप 15 भी कर सकते हैं टोटल। और इस गाड़ी खासियत है कि ये सबसे अभी तक सिर्फ 45,000 किलोमीटर चली है, और इसमें अलॉय रिंग वाला स्पेशल एडिशन मॉडल आया है, वो मॉडल फर्स्ट ओनर कार है, 45,000 किलोमीटर चली है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 725। डीजल वेरिएंट डीजल ओके गाइस, कंडीशन आप लोग के स्क्रीन पे है, टायरी कंडीशन के आते हैं गाइस आपको लेकर, तो टायर कंडीशन आप यहां पर देख पा रहे हैं गाइस। बाकी चलते गाइस थोड़ा इसके इंटीरियर की ओर, क्या इसका इंटीरियर हमें कैसा मिलने वाला है। इंटीरियर पे गाइस आने के बाद सबसे पहले आपको पावर विंडो कंट्रोलिंग मिल रहा है यहाँ पे गाइस, आपके सामने इंटीरियर का कंडीशन है, सीट का कंडीशन गाइस आपके स्क्रीन पे है। भैया ने प्राइस आपको दे दिया है, गाड़ी का प्रोफाइल आपके स्क्रीन पे है। किसी भी भाई को गाड़ी आपको लेना है तो आप यहाँ आइए, भैया से बात कीजिए, प्राइस अगर ज़्यादा लग रहा है तो ऑन टेबल आकर के बैठिए बात कीजिए, आपको यहाँ पर निगोशिएट हो जाएगा। चलते हम लोग अगले, होंडा की WRV है, 2017 की है डीजल मॉडल, और इसका सबसे बड़ी खासियत की इसका नंबर VIP नंबर है 0001। आज की डेट में 1.5 लाख रुपये का दुकान नंबर है, अगर आप नंबर ले सकते हैं, और ये नंबर देखिए जल्दी कोई पुलिस भी कार नहीं रोकती है, और ये विद सनरूफ है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 8,25,000। थोड़ा सा भैया जानेंगे सर प्रॉब्लम हम मॉडल जाएंगे 2017 की मॉडल एक्चुअली चलिए 28,000 किलोमीटर चली, 17 की मॉडल 28,000 किलोमीटर चली हुई है, बीच आपको सनरूफ। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, तो उसके आपको VIP नंबर जो कि भैया ने आपको बताया था VIP हम लिखते हैं 0001। अगर हम लोग आते हैं थोड़ा इसके थोड़ा साइड प्रोफाइल की ओर, तो साइड प्रोफाइल का आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है, मैरून कलर में ये गाड़ी है, मेन प्रोफाइल आपके स्क्रीन पे है। अब चलते हैं हम लोग इसके डायरेक्ट हम लोग इंटीरियर की तरफ, आखिर इसका इंटीरियर हमें कैसा मिलने वाला है। तो गाइस इंटीरियर की तरफ आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोलिंग मिल रहा है, टच स्क्रीन भी आपको मिलने वाला है, विद आपको कंपनी फिटेड आपको AC वगैरह सारा चीज़ आपको मिलने वाला है। नीट एंड क्लीन में ये भी गाड़ी है, सीटर कंडीशन आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा चलेंगे हम लोग बैक सीटर कंडीशन पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस बैक सीटर कंडीशन भी काफ़ी आपको नीट एंड क्लीन में होने वाली है। ऊपर गाइस आपको सनरूफ भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, आपको प्राइस भी भैया ने दे दिया है, सारा डिटेल आपको हो गया है। किसी भी भाई को अगर इस गाड़ी को अगर अपना बनाना है तो यहाँ आइए, भैया से बात कीजिए, ऑन टेबल बैठिए, डिस्काउंट करवाइए। भैया एक चीज़ और जानेंगे, क्या फाइनेंस सुविधा है भैया वाले को? फाइनेंस सुविधा अवेलेबल ओके, प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है, प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल अगर आपका सेविंग होगा फाइनेंस सुविधा ठीक है। चलेंगे हम लोग भैया अगली गाड़ी की तरफ, हमारी आज की स्टॉक में लगी हुई है क्रेटा, जो कि ये भी डीजल वेरिएंट में है, भैया इसका डिटेल दे दीजिए। ये 2016 की है, 48,000 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर कार है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 9,25,000। रजिस्ट्रेशन कहाँ से आएगी? पटना ओके, पटना का रजिस्ट्रेशन है, भैया का प्राइस है 9,00,000, इनफैक्ट आप 9 ही कह सकते हैं इसको, नौ ही कह सकते हैं, आपके नाम पे इतना डिस्काउंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल 9,00,000 में भैया आपको दे रहे हैं Ertiga। आपको मैं दिखा दूँ इसका साइड प्रोफाइल, सॉरी क्रेटा आपको देने वाले हैं, साइड प्रोफाइल आपके डिस्प्ले पे है यहाँ पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं टायर का कंडीशन कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अब चलते गए इसका थोड़ा हम लोग बैक प्रोफाइल की तरफ, तो बैक प्रोफाइल में देख सकते हैं आपको, सबसे पहले यहाँ पे बैक प्रोफाइल में आने के बाद आपको क्रेटा का आपको यहाँ पर लोगो भी मिल पा रहा होगा, BR01 पटना रजिस्टर्ड गाड़ी है। आप चलते हैं इसके हम लोग सीधा हम लोग इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डोर ओपन किया था, इंटीरियर कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे गाइस, आपको यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोलिंग मिल रहा है, इंटीरियर का कंडीशन आप लोग देख पा रहे गाइस काफ़ी लाजवाब में ये कंडीशन है, सीट का कंडीशन भी आपके गाइस डिस्प्ले पे है, भैया ने प्राइस दे दिया है, डिटेल भी सारा मिल गया है आपको, गाड़ी का भी आपको ओवरलुक हम लोगों ने दिखा दिया है। अब चलते हैं हम लोग अगले गाड़ी की तरफ, तो आपको दिखाने जा रहे हैं टोयोटा की कोरोला ऑर्टिस, वन ऑफ द वंडरफुल कार्स, ये 2012 की है, और इस गाड़ी की खासियत है कि अभी तक सिर्फ 26,000 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर कार है,
और एक्सेलेंट कंडीशन कार है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 7 लाख रुपये, नया का प्राइस 24 लाख रुपये, हम सिर्फ 7 लाख रुपये 7 लाख में देने वाले। बहुत बढ़िया, चलते थोड़ा हम इसकी थोड़ा कंडीशन की ओर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से मिलने वाला है आपको, टायर कंडीशन आपके डिस्प्ले पे है। थोड़ा चलते हैं हम लोग इसको थोड़ा बैक प्रोफाइल की तरफ। गाइस यहाँ पे आप लोग बैक प्रोफाइल आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको गाइस इस तरह का आपको लोगो भी मिलने वाला है, यहाँ पे गाइस आपको टोयोटा का भी लोगो मिलने वाला है। अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग थोड़ा इसके इंटीरियर की तरफ, क्या कि इसका इंटीरियर हमें कैसा मिलने वाला है। इंटीरियर पे आते हैं गाइस, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस काफी आपको नीट एंड क्लीन में ये भी गाड़ी होने वाली है, काफी बेहतरीन लुक में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। अंदर से थोड़ा और दिखाते हैं गाइस, देख सकते हैं सारा सारा मोड गाइस आपको स्टीयरिंग में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बैक सीट कंडीशन भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे गाइस काफी नीट एंड क्लीन में ये भी गाड़ी आपको होने वाली है, काफी अमेजिंग डिटेल, काफी अमेजिंग गाइस लुक, काफी अमेजिंग अंदर का गाइस नीट एंड क्लीन। अगली गाड़ी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भैया, आज की हमारी अगली स्टॉप कौन सी होने वाली है? जैसे अभी हमने आपको सेडान दिखाया, हम सेडान ही कौन दिखाते हैं आपको, होंडा सिटी दिखाते हैं। ओके, ये 2018 मॉडल होंडा सिटी है, ये भी विद सनरूफ है, टॉप एंड, और चली हुई 64,000 किलोमीटर, फर्स्ट ओनर कार है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 10,50,000। 10,50,000 रुपया भैया का एक्सपेक्टेड प्राइस है। गाड़ी का कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे गाइस, एक भी आपको नॉर्मली स्थिति आपको नहीं मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन आपको दिखला दिए तो BR01 ये भी आपको पटना रजिस्टर मिलने वाली है 10,50,000 में, होंडा सिटी वो भी आपको सनरूफ के साथ आपको। गाइस कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाइट प्रोफाइल आपके डिस्प्ले पे है। थोड़ा सा हम लोग टायर पे आते हैं तो गाइस टायर कंडीशन भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे गाइस, काफी बचा हुआ टायर आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं इसके सीधा हम लोग थोड़ा इसके इंटीरियर की ओर। इंटीरियर पे गाइस आते हैं तो गाइस काफी आपको नीट एंड क्लीन में गाइस ये भी गाड़ी है, आपको गाइस टच स्क्रीन भी मिलने वाला है, कंपनी फ्रीज, आपको एसी मिलने वाला है, सारा चीज आपको कंडीशन आपके सामने है। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पे आपको सनरूफ आपको मिलने वाला गाइस, देख सकते गाइस काफी अमेजिंग प्राइस भैया ने आपको दे दिया है, डिटेल आपको सारा मिल गया है, कंडीशन अगर आपको दिखा दी है। किसी भाई को अगर इस गाड़ी को अगर अपना बनाना है तो यहाँ आइए, भैया से बात कीजिए, ऑन टेबल बैठ करके इसमें आपको डिस्काउंट करवा करके भी आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं महिंद्रा की बोलेरो पे, बिल्कुल क्या डिटेल होगा भैया? ये 2009 की गाड़ी है, आज ही इनफैक्ट गाड़ी है, ये भी हमने सर्विस पार्ट अभी इसका ड्यू है, अभी हम सर्विस भी करा देंगे, और 2009 की है, बोलेरो है, VLX मॉडल है, और गाड़ी चली है अप्रॉक्स 1 लाख किलोमीटर के अप्रॉक्स चली हुई है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 3 लाख। 3 लाख बोलेरो 2009 9 की मॉडल है, 3 लाख मात्र 3 लाख छोड़ने वाले हैं, मात्र 3 लाख में 9 मॉडल आपको बोलेरो मिलने वाली है। कलर देख लीजिए भैया, आपको सारा पेपर आपको यहाँ से कंप्लीट करके देने वाले हैं, बिकॉज आज ही ये गाड़ी आई है, बिल्कुल भैया जी। ओके चलते थोड़ा हम लोग इसके इंटीरियर की ओर। कंडीशन का आपके डिस्प्ले पे है, सारा चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एसी, म्यूजिक सिस्टम, यानी आपको सारा चीज आपको मिलने वाला है। 3 लाख में भैया आपको बोलेरो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। भैया से एक चीज और जानते हैं भैया, क्या इसमें ऑन टेबल बैठने पे इसमें और भी कुछ डिस्काउंट होने वाला है? जरूर होगा, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत जरूर बढ़ने वाले हैं। फाइनेंस हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं, इसका फाइनेंस जब भी होगा तो 2013 से के बाद से होगा। ओके, कैश में आपको ये मिलने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसमें आपको निगोशिएट हो जाएगा। ओके, आते हैं हम लोग अगले गाड़ी की तरफ। ओके, स्कॉर्पियो S11 की तरफ आ चुके हैं, भैया से डिटेल लेते हैं क्या डिटेल होगा भैया? स्कॉर्पियो 2019 की गाड़ी S11, और मात्र 37,000 किलोमीटर चली हुई है, और फर्स्ट ओनर कार है आपको, क्योंकि सबसे बड़ी गाड़ी हम जो भी किलोमीटर्स देंगे हमारे आपको जनरल कार है, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 16.5 लाख, शॉप पे 37,500 किलोमीटर चली। मॉडल कौन सा है? 2019 की मॉडल है, 16 लाख रुपये भैया आपका डिमांड है, साढ़े सोलह भैया का डिमांड है। फाइनेंस इसमें हो जाएगा? ओके, प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है, फाइनेंस प्रोफाइल पर डिपेंड के ऊपर डिपेंड, और बाकी पेमेंट जो होगा वो भी करने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा आते हैं हम लोग इसके कंडीशन की तरफ। तो गाइस S11 है, तो कंडीशन आपको काफ़ी लाजवाब आपको मिलने वाला है। नंबर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं BR01 पटना रजिस्टर आपको गाड़ी ये मिलने वाली है, यहाँ पे गाइस आपको S11 का आपको लोगो भी मिलने वाला है। अब चलते हैं इसके हम लोग डायरेक्ट थोड़ा इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर कंडीशन आप लोग देख पा रहे गाइस काफ़ी नीट एंड क्लीन में ये गाड़ी है, आपको गाइस यहाँ पे टच स्क्रीन भी मिलने वाला है, इंटीरियर का कंडीशन कुछ इस तरह से मिलने वाला है, काफ़ी नीट एंड क्लीन में ये गाड़ी है। सीट का कंडीशन देख लीजिए गाइस काफ़ी लाजवाब मिलने वाला है। बैक सीट का कंडीशन देख लीजिए गाइस काफ़ी लाजवाब ये आपको S11 होने वाली है। भैया ने आपको प्राइस दे दिया है, कंडीशन आपके सामने है, गाड़ी का प्रोफाइल भी आपके सामने है। किसी भी भाई को अगर लेना है तो 16-16 लाख रुपया लेकर के आ सकते हैं, इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। थोड़ा बहुत ऑन टेबल बैठने पे भैया निगोशिएट कर देंगे। अगले गाड़ी की तरफ आते हैं, मैक्सिमम आपको फिर टोयोटा की कार्स पे ले जा रहे हैं, टोयोटा की इनोवा दिखाने जा रहे हैं, ये भी 2014 लास्ट की आप 15 कह सकते हैं, और बकेट सीट के साथ है, इसे स्पेशल सीट्स वगैरह भी उन्होंने स्पेशल उन्होंने काफ़ी खर्चा करके बनवाई हुई है, और सिर्फ 64,000 किलोमीटर चली, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 11.5 लाख। मॉडल कौन सा है? 2014
14 की मॉडल है, टॉप एंड मॉडल में। बिल्कुल 14 नवंबर की, आप उसको 15 भी कह सकते हैं। बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन आपके सामने है, पटना रेस्टोरेंट मिलने वाली है। थोड़ा सा आते हैं हम लोग इसके साइड प्रोफाइल पे, साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है। आप चलते हैं हम लोग इसके थोड़ा इंटीरियर की ओर, आखिर 14 मॉडल का इंटीरियर हमें कैसा मिलने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं, इंटीरियर देख के आपको लग नहीं रहा कि ये आपको 14 की मॉडल मिलने वाली, काफ़ी नीट एंड क्लियर में ये भी गाड़ी है। गाड़ी का परफॉर्मेंस गाइस काफ़ी हैवी होने वाली है गाइस। आप लोग के सामने मोड आप लोग के लगा हुआ है। इधर गाइस देख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा सीट में आपको मिलने वाला गाइस, देख लीजिए गाइस, काफ़ी नीट एंड क्लियर में ये गाड़ी है आपको होने वाली गाइस, काफ़ी अमेजिंग गाइस आपको ये नीट एंड क्लियर में गाड़ी होने वाली। थोड़ा हम लोग इसके आते हैं हम लोग मेन प्रोफाइल की तरफ। तो गाइस मेन प्रोफाइल आप यहाँ पर देख पा रहे गाइस, काफ़ी नीट एंड क्लियर में ये आपको गाड़ी होने वाली है। अगली गाड़ी हम लोग बढ़ते हैं भैया, अगला गाड़ी हम लोग का इनोवा होने वाला है। अठारह की मॉडल है भैया ने आपको प्राइस दे दिया है। टायर पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपोलो का टायर आपको मिलने वाला है। साइड प्रोफाइल आपके डिस्प्ले पे है। अब आते हैं थोड़ा हम लोग इसके मेन प्रोफाइल पे, तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। रजिस्टर आप लोग देख पा रहे होंगे, पटना आपको रजिस्टर आपको मिलने वाले हैं 5888, यानी काफ़ी बढ़िया आपको नंबर ये मिलने वाला है। इधर का साइड प्रोफाइल गाइस आपके स्क्रीन पे है। डीजल वेरिएंट गाड़ी हम लोगों ने आपको दिखाया, जो कि आपको सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने दिखाया। भैया एक चीज़ और जानेंगे जो कि अभी भी बाकी रह गया है, लोकेशन से पहले आपको बता देता हूँ, पटना में हमारे पास गाड़ी लेने के लिए आप आएंगे तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि गाड़ियाँ अच्छी हैं। और ये हमारा चैलेंज है कि आप एक बार हमारे पास आएंगे तो आप दोबारा हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी कि जो भी गाड़ी आपको मिलेगी जेन्युइन किलोमीटर्स में मिलेगी, किसी भी कार में किलोमीटर आपको बैक नहीं मिलेगा। और लोकेशन है तो पटना में एग्जीबिशन और चौराहा के पास, न्यू डाक बंगला रोड पे, ज्योति टावर बिल्डिंग का नाम है। आप उसकी पहचान में टीवीएस शोरूम के पास वाली बिल्डिंग भी कह सकते हैं। और बहुत फेमस लोकेशन, आप कभी भी पटना आइए और हमें एक बार ज़रूर मौका, आपकी सेवा करने का मौका। आज की इस वीडियो में भैया आप हमारा इतना साथ दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कोई भी सब्सक्राइबर अगर आ रहे हैं हमारे माध्यम से, उनका स्पेशल डिस्काउंट, एकदम स्पेशल डिस्काउंट होगा आपके माध्यम से भी, इनका स्पेशल डिस्काउंट। बिल्कुल। ओके गाइज, मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।